हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके रिलेशनशिप को 6 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कमिटमेंट का नामो निशान नहीं है। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपका दिल धड़कता है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि आपके पर्सन आपकी नजर में आपको लगता है कोई स्टैंड नहीं ले रहे, आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे, और आपको एक डर सा सताता है क्या ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाएगा या नहीं। स्टडी तो है दुनिया की नजर में, सबकी नजर में, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक चिंता खा रही है। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके रिलेशनशिप को 6 मंथ्स के ऊपर हो चुके हैं तो ये आज की कलेक्टिव रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। अगर 6 मंथ्स से ऊपर हो चुके हैं तो ये रीडिंग आपको 100% रिजोनेट करेगी। 6 मंथ से कम का टाइम हुआ है तो 70% जरूर रिजोनेट करेगी। तो रीडिंग कलेक्टिव है, लेकिन खास तौर पे उन कपल्स के लिए जिनका रिलेशन 6 महीने से ज्यादा का टाइम बिता चुका है। तो योर रिलेशनशिप हैज टू बी एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड फॉर द रीडिंग टू रिजोनेट विद योर सिचुएशन। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग। क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपनी फैमिली के खिलाफ जाना पड़ा तो जाएंगे, या उनके दिल में कोई पाप है, कोई चोर है। तमाम सवालों के जवाब आपको आज की रीडिंग से मिल जाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, इससे आपको बल्कि एक इंसाइट मिलेगी, आगे की ट्रेजेक्टरी आपके सामने क्लियर होगी। व्हाट स्टैंड यू आर सपोज टू टेक फॉर योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, फॉर ऑल साइंस है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन आपके रिलेशनशिप को 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं तो बिल्कुल आपके लिए रीडिंग है। सबसे पहले तो आपके पर्सन अपनी फैमिली के जबरदस्त प्रेशर में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके फैमिली मुझे काफी हद तक, मैं ग्रीडी तो नहीं कह सकती, लेकिन एक सामाजिक बंधनों को मानने वाली फैमिली है। बहुत ही कस्टमाइज ट्रेडिशनल फैमिली है, जिसको ये बहुत डर रहता है कि समाज क्या सोचता है, क्या करता है। हमको जो भी स्टेप लेना है वो समाज को दायरे में रखकर ही लेना है। कुछ इस तरह के थॉट्स वाले या सोच वाले इनकी फैमिली मुझे लगते हैं। तो इनको इसमें कोई हर्ष नहीं है कि अगर आपके पर्सन को आपसे रिलेशनशिप तोड़ना पड़े तो। टावर कार्ड और डेथ कार्ड ऊपर नीचे ही आए हैं, पास पास ही आए हैं, तो इनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रिलेशनशिप टूट जाता है तो। इनकी फैमिली में या तो सबको इसके बारे में पता है, या कोई खास एक पर्सन से इन्होंने जरूर शेयर किया हुआ है आपके बारे में, लेकिन आपके पर्सन अपनी फैमिली के आगे मुझे बहुत कमजोर नजर आते हैं। इस बात का उनको पछतावा भी होता है, दुख भी होता है कि वो आपके लिए एक स्टैंड नहीं लेते। तो इनकी फैमिली, जैसे कि मैंने कहा, ग्रीडी तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सामाजिक प्रेशर में बहुत है। और अगर आप ये रीडिंग अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो इनकी फैमिली चाहती है ये बहुत सारा दहेज लाए। आप बहुत सारा दहेज देने के काबिल होने चाहिए, आप इनकी कास्ट के या इनके रिलीजन के होने चाहिए। इस तरह के बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इन्होंने अपने मेंबर्स के लिए बना के रखे हैं। अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो वो भी यही चाहते हैं कि आप सेम कास्ट सेम रिलीजन के हो, आपका जो स्टेटस है या तो उनसे सुपीरियर हो या कम से कम उनके जितना तो हो। तो जब ये सारे बंधन एक साथ आ जाते हैं रिलेशनशिप में, सामने वाले के लिए स्टैंड लेना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। जिसके साथ ये आपके बारे में शेयर करते हैं वो पर्सन भी कोई आप दोनों के वेलविशर मुझे नहीं दिखते। डिसीट एंड एनवी कार्ड साथ साथ में एक ही रो में आए हैं, तो ये पर्सन भी कोई खास आपके रिलेशन की फेवर में नहीं है और आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डिविएट करते हैं इस बात को लेकर। इस बात से आपके पर्सन परेशान है, उनके दिल में ऐसा कोई पाप या चोर नहीं है आपको लेकर, लेकिन अपने दिल की बात कहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार कार्ड,
ये सब दिखाता है टावर डेथ, वैसे तो ये बहुत सारे मायने में आता है, लेकिन आपसे अगर रिलेटेड मैं उनकी फीलिंग्स की बात करूं तो बहुत परेशान है, समझ नहीं पा रहे वो ये बात आपसे, हो सकता है शेयर भी की हो लेकिन आपने ये सोचा हो बस टालने के लिए कह रहे हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है उनकी फैमिली में, वो चाहे तो स्टैंड ले सकते हैं। आपके दिल में ऐसी बातें आती होंगी इनकी ये बातें सुनकर, ये सच कह रहे हैं, अगर आपसे ये बात कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं। कई बार उनके दिल में ये जरूर आता है कि आपसे वो भाग कर शादी कर लें, चैरियट का उनके दिल में ये कई बार आ चुका है कि अगर करना पड़ा तो फ्यूचर में वो आपसे भागकर शादी करेंगे, पर उसके लिए जो उम्मीद और हिम्मत चाहिए ये उसकी राह में बैठे हुए हैं, ये उसकी राह देख रहे हैं। तो इनके दिल में एज सच आपको लेकर कोई पाप या चोर तो नहीं है, लेकिन जो लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो लोग इन्हें समझा रहे हैं, जो लोग इनके कानों को भर रहे हैं, या मतलब आपके खिलाफ तो मैं नहीं कहूंगी, जैसे कि मैंने कहा रिजिड फैमिली है, एक कस्टम से चलने वाली फैमिली है, एक ट्रेडिशन पे चलने वाली फैमिली है, समाज का डर इनको बहुत लगता है, तो ऐसे ऐसी फैमिलीज में या तो उनके घर के बच्चों को प्यार करने का हक नहीं होना चाहिए, और अगर वो बच्चा हक ले लेता है, वो पर्सन हक ले लेता है, तो उसको पूरा पूरा स्टैंड लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि अगर वो जानते थे उनकी फैमिली इतनी रिजिड है तो पहले से ही वो आपसे दूर हो जाते, तो आप दोनों के लिए आसान हो जाता, स्टार्टिंग में एक पेन होता आपको, हार्ट ब्रेक होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप दोनों के लिए बेनिफिशियल होता। पर अब इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप में गए हैं और अगर 6 महीने हैं तो ऑलमोस्ट ये लिव इन रिलेशनशिप जैसा ही रिलेशनशिप हो जाता है, इतना तो मैं बहुत क्लियरली कहती हूं और समझ भी पाती हूं। तो इस पर्सन की शायद माइंड ऐसे, वो जो थॉट्स है ना उनके माइंड की, वो कुछ इस तरह से उनको गाइड करती है कि व्हाई शुड आई फील गिल्टी, मेरे दिल में तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई पाप नहीं कि मैं अपने पर्सन को चीट करूं, मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं अगर मेरी फैमिली ही इतनी रिजिड है। अभी ये अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं ये सब बातें समझा के कि उनके दिल में तो कोई पाप नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ये वीक पड़ते हैं अपनी फैमिली के जिद्दी स्वभाव के आगे। और जिससे भी इन्होंने शेयर किया है वो पर्सन भी कोई काफी अक्लमंद मुझे नहीं लगते जो उनको सही गाइडेंस दे सके, वो पर्सन खुद भी फैमिली के प्रभाव में है, तो उनको इसी तरह का गाइडेंस देते हैं, इसी तरह की बातें समझाते हैं जिससे वो आपसे आपके लिए फर्म स्टैंड लेने में डरे, फर्म एक फैमिली के खिलाफ जाने से वो डरे, कुछ इस तरह की गाइडेंस वो पर्सन उनको देते हैं। डिसीट एंड एनवी जिनके साथ इन्होंने आपके साथ की रिलेशनशिप की बात शेयर की है, शायद आपके पर्सन ने सोचा होगा ये पर्सन अपने उनकी फैमिली को बहुत क्लियरली आपके रिलेशनशिप के बारे में कन्विंस कर लेंगे या समझा लेंगे, लेकिन ये पर्सन खुद भी नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपके पर्सन अपनी फैमिली के सामने वीक पड़ते हैं और जिसपे ये डिपेंड कर रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए, वो पर्सन भी काबिले एतबार नहीं लगते हैं मुझे। पर आपके पर्सन के दिल में ये बात जरूर कई बार आती है, लेट मी कीप दिस कार्ड हियर, ये कार्ड्स को मैं यहां अरेंज करती हूं तो आपको काफी कुछ समझ आएगा। 1, 2, 3 and 4 कार्ड्स पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपके पर्सन काफी हद तक ये तो फील करते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी हार्श हो गई आगे जाके तो मैं कुछ भी करके अपने पर्सन के साथ, स्ट्रेंथ कार्ड, वो हिम्मत करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर वो कर तो सकते हैं लेकिन अपनी फैमिली के खिलाफ जाने में इस वक्त डरते हैं, तो वो ये तो जरूर सोचते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो ये स्टेप वो ले लेंगे। इस वक्त उनके दिल में करंट एनर्जीज उनकी यही है, मैं फ्यूचर का अभी नहीं आपको बता सकती लेकिन करंटली उनके इतना क्लियर है कि अगर आपके मन में इनको लेके ये डाउट है कि ये आपको चीट करना चाहते हैं, आपको आपके साथ बस मजा ले रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उनके इंटेंशंस बहुत क्लियर है। लेकिन हाँ, इनकी फैमिली जैसी जिद्दी है, स्टबन है, एक फिक्स्ड रूल्स पे चलने वाली है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या हाल होता है। और जैसे कि मैंने बताया, काफी अगर वो आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो वो आ चाहते हैं आप काफी सारा एक डाउरी लेकर आए, काफी सारा सामाजिक एक रुतबा उनको फील होना चाहिए आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ रिलेशन जुड़ने में, जो कि शायद आपके पर्सन कहना आपको पसंद नहीं करते होंगे। या अगर आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप, सॉरी, अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आपकी एक स्टैंडिंग, सामाजिक स्टैंडिंग काफी स्ट्रांग हो, काफी पावरफुल हो, आपकी जॉब अच्छी हो, आप सेम रिलीजन, सेम कास्ट, मतलब ब्ला ब्ला जो एक टिपिकल फैमिलीज चाहते हैं। तो ऐसे में आपके पर्सन ये जरूर सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ
कि वो स्टैंड ना ले सके, वो आपकी फैमिली अपनी फैमिली के खिलाफ आपके आपको लेकर ना जा सके, तो वो जरूर आपके साथ शायद कोर्ट मैरिज कर लेंगे, आपके साथ भागकर शादी कर लेंगे। पर इसका फिर ये भी मतलब नहीं है कि वो आपके साथ घर भी बसा लेंगे। हो सकता है सेपरेशन में रहे आपके साथ, शादी कर ले ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये एक चांसेस मुझे बहुत ज्यादा दिखते हैं नियर फ्यूचर में। आपके बहुत ज्यादा जिद करने पे शायद वो इस बात के लिए राजी हो भी जाए, लेकिन आपको अपनी फैमिली के सामने लाकर खड़ा करने में अभी शायद उनको काफी वक्त चाहिए। तो अगर वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, आप दोनों खड़े हो जाते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा। वो भी अच्छा अर्न करे, आप भी अच्छा अर्न करें, आप दोनों मिलकर इस तरह का कलेक्टिव डिसीजन इजीली ले सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन में कोई करप्शन तो नहीं है आपको लेकर। बस वो कमजोर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में ये ख्याल बार बार आ जाता है कि कभी कुछ ऐसा हुआ तो शायद खिलाफ अपनी फैमिली के खड़े तो नहीं होंगे, पर आपके साथ मैरिज जरूर कर लेंगे, या तो कोर्ट में कर लेंगे। मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगी, कभी भी आप सिर्फ टेंपल में मैरिज करके रिलीफ मत लेना, जरूर अगर करते हो तो कोर्ट में है रजिस्ट्रेशन जरूर कराना। कई लोग खाली मंदिर में जाके दिखावा करने के लिए शादी कर लेते हैं, वो किसी काम की नहीं है। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली कोर्ट मैरिज ही करना, अगर आपके पर्सन राजी होते हैं इस बात के लिए। जैसे कि मुझे नियर फ्यूचर में ये दिखता है कि वो ये स्टैंड लेने में इतना नहीं घबराएंगे, लेकिन हाँ, आपको अपने फैमिली के सामने खड़ा कर देने में उनको जरूर कोई ना कोई डर लगता है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। बहुत क्लियरली मैंने आपको एक इंडिकेशन दे दिया है क्या है आपके दिमाग में, आपके पर्सन के दिमाग में। खैर, आपके दिमाग में तो आप क्लैरिटी ही रखते हैं, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन सा प्रिवेल करता है। चीटिंग करने का कोई इरादा नहीं उनको, क्योंकि उनके दिल में जब ये ख्याल आता है तो डेफिनेटली वो आपसे तो बहुत ज्यादा कमिटेड है। तो नियर फ्यूचर में मुझे ये दिखता है आप दोनों कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, और मैंने जैसे कि आपको समझाया, कोर्ट मैरिज ही करना, सिर्फ टेंपल में जाके मैरिज को उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए भी। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, आई विल कीप कमिंग विद न्यूअर एंड बेटर वीडियोस, और ईच टाइम योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।